आज हम कंटिन्यू कहानी पढ़ेंगे, जिसमें हम आज हम पहले शुरुआत करेंगे सियार और ढोल की कहानी से। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं सियार और ढोल की कहानी। ठीक है, सियार और ढोल की कहानी में एक बार क्या होता है कि एक बार एक सियार भोजन की खोज में जंगल से निकल कर घूमते घूमते एक खुले मैदान में आ गया। ठीक है, क्या हुआ, एक बार सियार भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर घूमते घूमते एक खुले मैदान में आ गया। बहुत थका होने के कारण उसकी आँख लग गई, है ना, थक गया था काफ़ी तो उसकी आँख लग गई। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ हुई जिसे सुनकर वह उठ बैठा, घबरा कर उठ खड़ा। वह उठा और भागने लगा, पर कहीं वह बेकार ही तो नहीं डर रहा, मतलब कहीं वो बेकार में ही तो नहीं डर रहा है ना, यह सोचकर रुक गया। उसने आवाज़ का पता लगाने के लिए चारों ओर ध्यान से देखते हुए मैदान में चक्कर लगाना शुरू किया। ठीक है, मैदान में चक्कर लगाना शुरू किया देखने के लिए कि आवाज़ कैसे आई, है ना। तभी उसकी दृष्टि अचानक लड़ाई में काम आने वाले एक ढोल पर पड़ी। हवा से लताएं हिलती थीं और ढोलक पर लताओं की चोट से आवाज़ निकलती थी। वह पास गया, ढोल के भीतर शायद भोजन हो या यह सोचकर ढोल के भीतर शायद भोजन हो यह सोचकर उसने उसे फाड़ डाला, पर ढोल तो खाली था। खाली ढोल को वहीं छोड़कर वह भोजन ढूंढने आगे निकल गया। उसने अपने आप को यह कहकर समझाया, कम से कम मेरा भय तो निकल गया, है ना। इससे हमको शिक्षा यह मिलती है कि भय सबको लगता है ना, भय जो है डर सबको लगता है, पर जो भय को जीते वही साहसी है, है ना, जो भय को जीते वही साहसी है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। इसके बाद दूसरी कहानी साधु व ठग की है। एक साधु अपने धन की थैली सदा अपने पास रखता था। एक दिन एक ठग ने उसकी जो साधु की थैली को देख करके सोचा कि हो ना हो इसमें अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु है, इसे अवश्य ही चुराना चाहिए। उसने साधु से जाकर कहा कि वह अनाथ है पर ईमानदार व्यक्ति है और उनका शिष्य बनना चाहता है। साधु ने कुछ सोचा और फिर उसे शिष्य बना लिया। एक दिन वे दोनों एक जंगल में जा रहे थे। एक झरना बहता देखकर साधु स्नान करने के लिए रुक गया। अपने शिष्य के भरोसे अपना सामान छोड़कर वह नहाने लगा। उसे नहाने में व्यस्त देखकर ठग ने इसे अच्छा अवसर समझा और उसका सामान तथा थैली लेकर भाग गया। नहाकर वापस आने पर साधु ने शिष्य तथा सामान दोनों को गायब पाया। दूर दूर तक कोई नहीं था। दुखी होकर साधु ने सोचा कि वह कितना मूर्ख था जो उसने एक अजनबी पर भरोसा किया। यहाँ पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि असावधानी विनाश का कारण बनती है, मतलब हम चाहे जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना, अगर आपने ऐसी असावधानी की तो आपके विनाश का यह कारण बन सकती है, समझ रहे हो। तो ये है इस कहानी का सार। चलिए तीसरा कहानी अब हम देखेंगे। यहाँ पर तीसरा कहानी हमारा ऊंट और तीन मित्र का। किसी जंगल में रहने वाले शेर के तीन सहायक थे, चीता, सियार और कौआ। एक दिन उन लोगों ने रास्ता भूले हुए एक ऊँट को उन लोगों ने रास्ता भूले हुए एक ऊँट को देखा, है ना, देखा। शेर ने ऊँट को अतिथि समझकर अपने राज्य में रख लिया, है ना, अतिथि समझकर अपने राज्य में रख लिया। एक बार शेर घायल हो गया, वह शिकार करने में असमर्थ था। शेर ने अपने सहायकों से भोजन लाने के लिए कहा, उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तब उन्होंने ऊँट को खाने का सुझाव
दिया, पर शेर नहीं माना। उन्होंने शेर को समझाया कि यदि वह स्वयं आपसे खाने का अनुरोध करे तो मना मत करिएगा। ऊँट के आने पर धूर्त सहायकों ने एक के बाद एक शेर से कहा, हुजूर आप मुझे ही खा लें, हम कब आपके काम आएंगे। यह देखकर ऊँट ने भी वैसा ही कहा। बस यह सुनते ही सबके सब उस पर टूट पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धूर्तों से घिरे हुए मालिक पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब धूर्त मतलब ऐसे लोग जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जहां अपने आसपास हों वहां पर आप उस मालिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो उस जंगल का मालिक है, है ना। अब इस कहानी से हमको ये शिक्षा, ये कहानी में हमें फिर से देखिए शिक्षा ये मिलती है कि धूर्तों से घिरे हुए मालिक पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीतर और समुद्र, तीतर और समुद्र। किसी समुद्र के किनारे एक पेड़ पर तीतर का एक जोड़ा रहता था। एक बार तीतरी ने तीतर से कोई दूसरा सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए कहा जिससे वह वहां अंडा दे सके। उसे भय था कि कहीं समुद्र की लहरें उसके घोंसले को ही बहा न ले जाएं। तीतर को अपने प्रभु पर बहुत विश्वास था। उसने तीतरी को समझाया कि समुद्र में उन्हें क्षति पहुंचाने की शक्ति नहीं है, समुद्र में उन्हें क्षति पहुंचाने की शक्ति नहीं है। तीतरी मन ही मन भयभीत थी, पर तीतर की बात मानकर उसने वहीं अंडे दिए और फिर दोनों खाना खाने चले गए। समुद्र ने उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। एक बड़ी सी लहर आई और अंडों को बहा ले गई। तीतर लौटे तो अंडों को गायब पाया। उन्होंने अपने प्रभु को बुलाया। प्रभु ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। प्रभु ने समुद्र को डांटा कि यदि वह अंडे वापस नहीं करेगा तो उसे सुखा दिया जाएगा। समुद्र ने डर कर किनारे पर अंडे फेंक दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है ना। लेकिन विश्वास सही जगह करना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारी कहानी है हंस और कछुए की। हंस और कछुआ। एक कछुआ और दो हंसों में गाढ़ी मित्रता थी। तालाब के किनारे वे हर दिन मिलते थे। एक वर्ष बहुत कम बारिश हुई। तालाब को सूखा देखकर हंसों को चिंता होने लगी। उन्हें पहाड़ के दूसरी ओर एक और तालाब का पता चला। उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। अपने प्रिय मित्र कछुए से वे दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कछुए को भी साथ चलने के लिए कहा। कछुए ने कहा कि वह तो उड़ नहीं सकता है, पर उसके पास एक युक्ति है। उसने हंसों को एक डंडी अपनी चोंच में पकड़ने के लिए कहा और डंडी को बीच से वह पकड़ लेगा। हंस राजी हो गए, पर उन्होंने कछुए को उड़ते समय अपना मुंह खोलने से मना किया। वे तीनों उड़ते हुए एक शहर के ऊपर से जा रहे थे। शहर के बच्चे इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर खुश होकर शोर मचाने लगे। कछुए ने भी कुछ कहना चाहा, मगर मुंह खोलते ही वह गिर पड़ा और घायल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान की सलाह अवश्य माननी चाहिए, है ना। बुद्धिमान की या गुरुओं की या शिक्षकों की हमें सलाह माननी चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कहानी हमारी है तीन मछलियाँ। क्या है? तीन मछलियाँ। किसी तालाब में तीन बड़ी मछलियाँ रहती थीं। उनमें से दो मेहनती थीं पर तीसरी मछली भाग्यवादी थी। भाग्य वाली मतलब भाग्य के भरोसे रहने वाली। एक शाम उधर से जाते हुए दो मछुआरों ने तालाब को ढेर सारी मछलियों
से भरा हुआ देखा। उन्होंने अगले दिन आकर मछलियों को पकड़ने का निश्चय किया। दोनों मेहनती मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। उन्हें खतरा लगा, वे मछुआरे से बचने का उपाय सोचने लगीं। अपने साथ तीसरी बड़ी मछली को लेकर तालाब के दूसरी छोर पर जाकर उन्होंने छिपने का निश्चय किया। यह सुनकर तीसरी मछली हंसने लगी। उसने कहा कि वह यहाँ रहती है और किसी ने आज तक उसे नहीं पकड़ा है, व्यर्थ ही भयभीत नहीं होना चाहिए। वह दोनों मछलियों के साथ नहीं गई। अगली सुबह मछुआरों ने आकर जाल डाल दिया। मेहनती मछलियाँ बच गईं, पर तीसरी भाग्यवादी मछली छोटी मछलियों के साथ जाल में फंस गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली बेटा कि जीवन में सजगता आवश्यक है। जीवन में सजगता आवश्यक है, मतलब हमें देखना है अपने आसपास, जहाँ पर हमें खतरा समझ में आए तो हमें सतर्कता भी उठानी है ना, सतर्क भी रहना है। ठीक है, तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सजगता आवश्यक है।